पूर्णिया के चित्रकार राजीव राज ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्ट फेयर में पेंटिंग लगाकर देश के साथ साथ पूर्णिया का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि 26 और 27 मई को जापान में एक आर्ट फेयर आयोजित किया गया, जहां राजीव ने 12 चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। इसमें खास बात ये थी कि सैकड़ों साल पुरानी भोजपत्र लिखित पांडुलिपियों को कैनवास पर चिपका कर मॉडर्न आर्ट बनाया था, जिसे काफी सराहा गया। भारत से मैं वहाँ पर जाकर अपनी चित्रकला को प्रदर्शित कर सकूँ, ये बहुत ही बड़ी बात थी। और मैंने अपनी पेंटिंग में जो 12 पेंटिंग है उसके जो सीरीज़ है, उसमें मैंने इस बार का जो मेरा टॉपिक था वो था चित्रकला की जो विरासत है हमारी, जो मिथिलांचल की विरासत है, मिथिलांचल की धरोहर जो है, हेरिटेज ऑफ मिथिला पर मैंने पेंटिंग की सीरीज़ बनाई थी और काफ़ी लोगों ने उसको सराहा। खासकर हमारी जो पेंटिंग अभी मैं करता हूँ उसकी जो शैली होती है उसका नाम मैंने दिया है कोसी पेंटिंग, जो मिथिला पेंटिंग और मॉडर्न आर्ट के मिश्रण से बना हुआ है। और 2012 में स्विट्जरलैंड के बेसल में भी मैंने इस शैली को वहां पर सबसे पहले प्रदर्शित किया। इस इंटरनेशनल आर्ट फेयर में 35 देशों के 120 पत्रकार शामिल हुए, जिसमें भारत से सिर्फ 2 चित्रकार शामिल थे। इससे पहले भी राजीव की पेंटिंग्स 2012 में स्विट्जरलैंड में लग चुकी हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्णिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।